नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नरेश मित्रा में। जहाँ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट यहाँ देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले पीटी भर्ती को लेकर। जी हाँ साथियों, पीटी विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है कि पीटी भर्ती फर्जी डिग्री जाँच ठंडे बस्ते में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पीटी भर्ती की जो फर्जी डिग्रियों की जांच होनी थी अब ठंडे बस्ते जा चुकी है और अब फरवरी के बाद होगा एक्शन। जी हाँ साथियों, फरवरी के बाद क्यों होगा एक्शन, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पिछली भर्तियों में अटकी थी प्रक्रिया, पीटी भर्ती फर्जी डिग्री जांच अब ठंडे बस्ते में। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और फरवरी के बाद होगा एक्शन, सीईटी परीक्षा के बाद होगी जांच परीक्षा। जी हां साथियों, ये बड़ा कारण है कि सीईटी के बाद ये फर्जी डिग्रियों की जांच होगी। बेरोजगारों की ओर से पेपर लीक और फर्जी डिग्रियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद पीटी भर्ती में फर्जी डिग्री की जांच को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया है और कारण है कि बोर्ड को भर्ती में फर्जी डिग्री वालों का जांच करने का समय नहीं है और बोर्ड की ओर से अब सीईटी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फरवरी के बाद पीटी भर्ती के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए इसलिए बड़ी फर्जी डिग्रियां। पहला कारण है कि जो अभ्यर्थी पहले बीएड कर चुके हैं उन्होंने अचानक अपना फील्ड कैसे बदला, और दूसरा है कि निजी वीवी में कौन खेल प्रमाण पत्र के आधार पर बीपीएड की डिग्री मिली। जी हाँ दोस्तों, वहीं बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष को आप सभी लोग जानते होंगे, उपेन यादव है और उन्होंने पेपर लीक और फर्जी डिग्री मामले में राजस्थान टॉप पर आ रहा है और इसके बाद भी सरकार ढिलाई बरत रही है और हमने चेताया कि मांगे पूरी नहीं की गई तो अब बेरोजगार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, फर्जी डिग्रियों की जाँच जल्द और पारदर्शिता के साथ हो। जी हाँ साथियों, उपेन यादव ने यह बड़ा बयान दिया। और वहीं बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का बयान देखने को मिला कि अभी सीईटी परीक्षा की तैयारियां की जा रही है, इसके बाद पीटी भर्ती फर्जी डिग्री की जांच करेंगे, जांच पूरी पारदर्शिता से की जाएगी। जी हां साथियों, बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का बड़ा बयान देखने को मिला। जी हां साथियों, आज की वीडियो बस इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।